आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लगने वाले लॉकडाउन में सख्ती बरती जाएगी। राशन की दुकानों को छोड़कर सभी बाजार बंद रहेंगे। सड़क और पार्कों में किसी को भी घूमने की अनुमति नहीं दी जा रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन ने शुक्रवार रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन के आदेश दिए हैं। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी लॉकडाउन का पालन करने का पाठ जनता को पढ़ा रहे हैं। एएसपी सौरभ दीक्षित का कहना है कि लॉकडाउन में राशन को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। बेवजह निकलने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, शासन के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आज रात्रि 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पहले की जैसे ही लॉकडाउन लगाया जाएगा। उसमें कुछ चीज़ों के लिए रियायतें दी गई हैं, जैसे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनसे जुड़े सरकारी कर्मचारी अगर हैं वो अपने कार्य पे यथावत आते रहेंगे, उनके कार्यालय खुले रहेंगे। किसी प्रकार के दुकान और जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो सभी कुछ बंद रहेंगे, सिर्फ एसेंशियल सर्विस खुलेंगी, जैसे कि मेडिकल या हॉस्पिटल वगैरह है। कोई इमरजेंसी के लिए बाहर जाता है सिर्फ वो लोग जा पाएंगे। कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, सरकारी प्रोजेक्ट है, ये सब चीज़ें चलेंगी, परंतु अन्य कोई भी गतिविधि जैसे पहले लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 जो 4 फेज में था, किसी प्रकार का भीड़ भाड़, कोई भी सोशल गैदरिंग कहीं पे भी पार्क में या लोगों कोई प्राइवेट पार्टी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी। एएसपी सौरभ दीक्षित का कहना है लॉकडाउन में सार्वजनिक स्थानों पर किसी को बेवजह घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन में इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। कमर्शियल प्रतिष्ठान और सरकारी कार्यालय बंद रखे जाएंगे जिससे संक्रमण पर अंकुश लग सके। जी बिल्कुल, ये संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए ही है। जब पहले भी कभी भी लॉकडाउन जब भी लगाया गया है ये इसीलिए है कि लोगों का आपस में इंटरेक्शन कम हो, सोशल कई जगह पे भीड़ जो होने लगी है, लोगों ने एकदम से अनलॉक में कई जगहों पे बिना मास्क के आके गैदरिंग हो गई। उन लोगों के चालान वगैरह करने के बावजूद कई जगहों पर भीड़ देखी गई है। लोकली आगरा में आपने देखा होगा, डीएम साहब ने थोड़ी सी चिंता भी प्रकट की थी कि कोतवाली और मंटोला यहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है और कहीं ऐसा ना हो कि ये मार्केट्स बंद करने पड़े। तो इन्हीं सब केसेस, बढ़ते हुए केसेस को मेरे ख्याल से लेके राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है। संक्रमण से बचने के लिए पुलिस प्रशासनिक अधिकारी जनता से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं जिससे इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सके। अधिकारियों का कहना है कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को नहीं बख्शा जाएगा। इसके लिए सड़कों पर गश्त कर पुलिस लोगों पर नजर भी रखेगी। सी न्यूज के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।